कराची के ओभर जिले के डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक चांडो है तो ओभर जिले में इन वक्त ताई 7000 बोर्ड मुतासिर अची चुका 15 रिलीफ कैंपू कायम कई व्यून मुतासिर बारन के खेडन ले रांदिका ग्राउंड पिण डिना वा जिते हु सरगर्मी कर सन। डीसी ओभर राजा तारिक चांडो धरती टीवी न्यूज के चीफ रिपोर्टर से खास गाल बोल कई है अचो त नाजरीन बरसात मुतासरन जो कराची अचण जो सिलसिलो आने वक्त भी जारी है जैसे कराची अंदर गुजरल जी रिपोर्ट कमिश्नर कराची दिनी हुई तो तकरीबन 13000 जे मू अची चुका उन्होंने रजिस्टर किया इन हवा से खास तौर पर जी कराची में पेरी जी शुरुआत थी बोर्ड मुतासर ही बरसात मुतासर अचण की वह सचल गोठ यानि कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में थी उन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक साहब मुख्तलिफ वक्त दौरा क्या उन्होंने जो मैनेज किया बंदोबस्त किया इन हवा से अज अस डीसी ईस्ट ऑफिस में मौजूद आयो अस गड डीसी ईस्ट राजा तारिक साहब मौजूद आया उन्होंने पूछा कह सर यो बुधा तो इन वक्त तई केतरे जी मू या फैमिली आज वो रजिस्टर थी चुकी अना सिलसिलो अचण जो जारी है केतरा स्कूल तटे भरजी चुका अ रिलीफ कैंप कायम कर चाहिए थैंक यू असा वट तकरीबन 13 कैंप्स अस कायम कर चुका वो जिले के मुख्तलिफ़ स्कूल कॉलेजेस में आन हिंर तकरीबन 7000 अस रजिस्ट्रेशन है उनमें फैमिलीज आन पूरी जो पूरी उनमें बारड़ा औरतू आन मर्द आन हिंर तई अस 7000 जो अंग अची चुको तबर आ बाकी सिंध जे बया जे अजला उनमें तमाम घनी हालत बुरी आ उते पानी अचे तो पो जी हाँ खैरपुर नाथन शाह जी साइड पे पानी अचे तो पो तो एक्सपेक्टेड मू इंदा असानी कोशिश है जितरा भी मू अचन अस उनके एडजस्ट क्यों उनके रिलीफ प्रोवाइड क्यों कोशिश क्यों था तो कई भी शी खुटे न बेसिक फैसिलिटीज जी स्पेशली जो मेडिसन के हिसाब से तबर आ गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो तमाम एक वो जो कदम आ वो यो ही है तो उनके सेकेंडरी केयर के लिए डाउ में उनके फ्री इलाज थे तो कल वाली रिपोर्ट डिठी होंगी जैमें टे डिलीवरीज थी जैमें एक नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन थे हुआ डाउ में वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उन पे कर बारन जी तालीम जो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट आ नुकसान न थियण घुर्जे उनते गवर्नमेंट ऑफ सिंध सोचे पई थी कल भी एक मीटिंग थी हुई हाई लेवल की अगते भी मीटिंग्स थियन थी पयूं अनकरीब इंशाला जे ही असो कैंप्स रिलीफ कैंप्स ये रिलोकेट थी करे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बे हंध वो थी सके तो टेंट सिटी के शक्ल में हो बे कम कोई बंदोबस्त किया वे पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन सीरियसली सोचे थी पी ए इंशाला जल्द इन उन तरह बी साइड से रिलोकेट कर ब सब डिवीजन गुलशन ए इकबाल जिनमें शांति नगर अची वो जो मेट्रो वाली साइड जिते अस कैंप्स सचल में कैंप्स असो मतलब स्कीम टटी जैसे गुलजार हिजरी सब डिवीजन चौं था इन बिन सब डिवीजन में अस 13 अच्छा कैंपन के हवा से मुख्तलिफ मानून पारा मुख्तलिफ फोरम्स पारा मुख्तलिफ हंधन से फंडिंग करण लाइ कैंपू कायम कई व्यून वो इमदादी कैंपू कि रजिस्टर छो कर किथे शिकायत भी अचन पे तो मुख्तलिफ मू उ फंडिंग करी उयाशी कर पैसा गड कर पाया एस ओ पी ऑलरेडी है तो जैसे भी कें रिलीफ इमदादी कैंप लगानी होंगी है तो उन एन ओ सी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वेंदी आ तो जैं जैं वट एन ओ सी असांजी तरफा है तो उ कायम कर वेठा कैंप्स बाकी अदरवाइज पुलिस ए रेंजर्स बिन्हीं के चयल है तो जैं वट डिप्टी कमिश्नर की रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट्स उनकी कदें एन ओ सी ना है तो उनके खत्म कराने पे हाँ गवर्नमेंट वट एतरा रिसोर्सिस को अचानक एक आफत आई है तो उनके जेस तई अस यूनिटी में मिली करे फेस न कंदासी तेस तई अस अगते हली न सकंदासी सो बाकी जे मुखैर हजरात आन उन्होंने लिए मुझे यो जो पैगाम है तो अगते अचो हेल्प कयो जड़े तरीके से हेल्प करना चाहो था ऐसो असा डिठो आ कुछ मू जो जरूरी ना सिर्फ पैसों हेल्प हो खोड़ सारा ये जो अस वॉलंटियर्स असाफी हजरात अचन था मुख्तलिफ एन जी ओस जहाँ मू अस कैंप्स में अची कर मुख्तलिफ कम कन वड़ी मेहरबानी कराची के ओभर जिले के डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक चांडो जी वहाँ गाल बोल बुधी जिनो चवण है तो मुख्तलिफ वक्त ये मुख्तलिफ रिलीफ कैंप विजिट कद उन गो ग एक वही अहम या पिण जो खबर डी है जी बारड़ा उन्होंने लाइ रांद रूंद लाइ उन सामान पिण दिनों वो डीसी पारा जो मैसेज पिण दिनों वो है जे साहिब हैसियत मूँ उ
कम में अॻिते अचनि ऐं वधीक करे उन्हनि खे इमदाद या मदद कनि।